फ्रेंड्स, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और उधर ही से सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत जो लानी थी वो भी ले आई हूँ। उधर से ना आइसक्रीम भी ले आई थी, तो बहुत मन कर रहा था। कभी कभी हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं सारे, तो वही सारे हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे और बेटू भी खुश हो जाती है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो आज मैं लेकर के आ गई तो वो भी खा रहे थे। अभी ना थोड़ा सा मैं एसी चला करके बैठ गई हूँ रिलैक्स होने के लिए। ब्रेकफास्ट किया है और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मम्मी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। जो नमकीन वाले सिवई होते हैं वो, और उसका वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। फास्ट था वो, बहुत बहुत टेस्टी था और मम्मी के हाथ का तो टेस्टी होगा ही, चाहे वो कुछ भी बनाए तो अच्छा लगता है खाने में, है ना। तो बस यही है, तो आज खाई थी हम लोग ने नमकीन सिवैया। उसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट करना था, मम्मी का ही वीडियो मुझे एडिट करना था, काफी दिन से उन्होंने बना के रखा हुआ था, तो वो वीडियो मैंने एडिट किया। मैंने ना लैपटॉप को बंद करके रख दिया है, क्योंकि मेरा लैपटॉप आज काफी देर से ओपन था, मैं उस पर वर्क कर रही थी कुछ, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा उसको रिलैक्स दे दें, और शाम तक मैं मम्मी का वीडियो कोशिश करूंगी अपलोड कर दूंगी। और हाँ, जो लोग नए मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें मेरी मम्मी वीडियो बनाती हैं रेसिपीज की, मॉम्स इंडियन रेसिपी। तो अगर आप लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर मॉम्स इंडियन रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना एक वीडियो डाला है और आप लोग ना मुझसे काफी सारे क्वेश्चन कर रहे थे, क्या मैं प्रेगनेंट हूँ, क्या मैं प्रेगनेंट हूँ, क्या मैं प्रेगनेंट हूँ। तो मैंने एक वीडियो डाला है, आई एम प्रेगनेंट एंड क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन ही मैंने टाइटल में डाल दिया। मैंने कहा इससे आसानी रहेगी ना, जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मेरा टाइटल देखेंगे और वीडियोस को देखेंगे और समझ जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो टाइटल रख दिया है। जो लोग भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे उनको उनका आंसर मिल जाए। और मैं एक बात और आप लोगों से फिर से बोलना चाहूंगी, आप लोग खुद इतने अच्छे हो तभी आप लोगों को मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। जो इंसान खुद अच्छा होगा अंदर से उसी को दूसरे लोग भी अच्छे लगते, तो आप लोग बहुत 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 अच्छे हो, आप लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो सच। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले वो कुर्ती वाला वीडियो बनाया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने अपनी कुर्ती के कलेक्शंस आप लोग को दिखाए थे, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी था। और मैं फिर से बात शेयर करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है, चाहे वो कोई भी कपड़े हो, मैं बल्क में कपड़े इकट्ठे करके नहीं रखती हूँ, और मैं एवरी मंथ कोई ना कोई कपड़ा रिटायर करती रहती हूँ, रिटायर इन द सेंस रिजेक्ट करती रहती हूँ, तो मेरे पास ज्यादा ढेर नहीं लगता है और मुझे इस तरीके से उलझन भी नहीं होती अपनी वार्डरोब को देखने में, और अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना भी आसान रहता है। और जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, वार्डरोब में पड़े हैं सालों से, तो वो कोई ना कोई पहन ले, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो इतने ही कपड़े हैं वो ही नहीं पहन पाते हैं, और कुछ कपड़े मैंने एक ऐसे अपनी यादों की तरह समेट के रखे हुए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो व्हाइट वाली कुर्ती मेरी 10 इयर्स पुरानी थी, तो ऐसा नहीं है मेरे पास सारे ही 10 इयर्स पुराने कपड़े हैं, बट एक आधा कपड़ा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो मेरी याद है, मेरी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि मैंने जो वीडियो बनाया था कुर्ती वाला, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कुछ एक सब्सक्राइबर्स मेरी कुछ और कुर्ती देख चुकी है, जैसे मैंने जो जागरण में पहनी थी, और मैं जब नानी के यहाँ गई थी अपने, तब मैंने पहनी थी रेड वाली, तो वो सारे लोग बोल रहे थे आपने वो नहीं दिखाई, आपने वो नहीं दिखाई। तो एक्चुअली वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, और फिर मैंने ये सोचा था जो हैवी कुर्ती है, जो हैवी कुर्ती और हैवी सूट है मेरे पास, उनका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो बस यही एक चीज मेरे माइंड में थी कि मैं जो सिंपल वाली कुर्तियां हैं उनका वीडियो बना देती हूँ, तो वही मैं आज आप लोगों से अपने सारे हैवी कुर्ती और हैवी सूट शेयर करूंगी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। तो जो सबसे पहली कुर्ती और सूट आप लोग बोल रहे थे वो है ये, जो मैं काफी सारे ब्लॉग्स में पहन भी चुकी हूँ, बट शायद फिर भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने ना देखा हो, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये बहुत हैवी सी कुर्ती है जो मैंने विशाल मेगा मार्ट से ली थी, तो ये इस तरीके की है और साइड में इसकी डिजाइन बनी हुई है। तो ये इस
तरीके की है और साइड में इसके लिए डिजाइन बनी हुई है। इसकी जो चुन्नी है वो ये क्रीम कलर की है और क्रीम कलर की ही इसकी लेगिंग है। सेकेंड जो कुर्ती है, जो सूट है, वो मेरी मम्मी ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था आफ्टर मैरिज। तो शादी के बाद उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर ये दिया था। ये इस तरीके का सूट है और आप इसको सूट ही बोल सकते हैं क्योंकि ये ना पूरा क्या बोलते हैं, इसके साथ इसकी एक ये चुन्नी और लेगिंग साथ में आई थी, तो ये पूरा सेट था और ये सेमी स्टिच था, तो मैंने इसको बाद में स्टिच करवाया है। ये एक कुर्ती मेरी ये है, ये पूरी लॉन्ग है, पूरा नीचे तक जाती है, साइड में इस तरीके की डिजाइन है, इसमें वैसी है कुछ कुछ जैसी रेड वाली है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रिसेंटली ली है, लास्ट मंथ ही मैंने खरीदी थी जब जागरण था मेरे घर में तब। अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लीज देखिएगा, देवी जागरण वाला। और ये चुन्नी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैं वेंसडे मार्केट से लेकर के आई थी, 100 की या 150 की ऐसी कुछ की मैं लेकर के आई थी। नेक्स्ट मेरे पास एक ये कुर्ता है, केवल कुर्ता है अभी, ना ही इसकी सलवार है ना ही इसकी चुन्नी है मेरे पास, मुझे परचेज करना है। अब मैं देखती हूँ मैं किस कलर की खरीदती हूँ, ब्लू भी ले सकती हूँ, रेड भी, येलो भी, और आप लोग बोलिएगा कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं वही कुर्ती और वही लेगिंग और वही चुन्नी ले लूंगी इसके लिए। और ये बहुत हैवी सा सूट है, मम्मी ने कहा मुझे ऐसे नहीं पहनना है तो ये तुम ले लो, तो उन्होंने मुझे दिया है और मैं इसकी फिटिंग ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से इसके बैक में भी काफी हैवी डिजाइन बनी हुई है। है मेरे पास ये कुर्ती और ये बहुत बहुत ज्यादा हैवी है और बहुत खूबसूरत है। ये मुझे इसी वाला जो ये वाला करवा चौथ बीता है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। अगर आपने वो वाला ब्लॉग देखा हो तो आप लोगों को पता होगा ये वो मेरे लिए लेकर के आए थे, तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें घेर है और ये काफी हैवी भी है कुर्ती। तो एक ही कुर्ती मेरे पास है, तो इसके लिए भी मैं चुन्नी वेंसडे मार्केट से ले आई थी ये वाली, क्योंकि इसके साथ की जो सलवार और चुन्नी थी वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी तो वो मैंने हटा दी है। मैं इसके लिए ये वाली चुन्नी लेकर के आई हूँ और लेगिंग क्रीम कलर की मेरे पास ऑलरेडी है, बट फिर भी मैं इसके लिए क्रीम कलर की लेगिंग एक अलग से परचेज करूंगी। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ मेरे पास हैवी सूट, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही जितने भी है मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये सारे मैंने अलग से इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इनका सारा सेट बना हुआ है और ये हैवी है जो कि मैं ऐसे मोस्टली ज्यादा पहन नहीं सकती हूँ। तो वो वाली जो कुर्तियां थी वो हल्की पुल्की थी जो मैं पहन सकती हूँ, बट ये वाली सारी हैवी हैं जैसे कि आपने देखा होगा, इस वजह से मैंने इनको अंदर बेड बॉक्स में रख दिया है। और अगर आपने मेरा बेड बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख लेना किस तरीके से मैं दीवान बेड के अंदर जो स्पेस होता है, स्टोरेज होता है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो फ्रेंड्स आपको मेरे ये सारे सूट कैसे लगे मुझसे जरूर शेयर करना आम तक। तो चलिए मैंने ये जो फैला दिया है इसको मैं समेट करके रख देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मुझे खाना बनाना है। मैं आपसे आज अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मैं भिंडी अजवाइन से बनाती हूँ और भिंडी के लिए जो प्याज काटती हूँ वो इस तरीके के लंबे लंबे प्याज काटती हूँ, तो मुझे इस तरीके के प्याज भिंडी में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो प्याज काट लिया है और भिंडी कट गई है मेरी, तो अब मैं बस फ्राई कर दूंगी। फ्राई ये सब्जी भी ना बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ईजी है इसको बनाना भी।
ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें प्याज, अब मैं डालूंगी इसमें अजवाइन, और अजवाइन ना थोड़ी सी ज्यादा सी डालूंगी। जैसे बोलते हैं कि भिंडी बाजी होती है, तो जब हम अजवाइन डालते हैं तो भिंडी नुकसान भी नहीं करती है। और वैसे जीरे में भी बना सकते हैं, अजवाइन में भी बना सकते हैं, बट जीरे के अकॉर्डिंग अजवाइन से भिंडी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर जिन्होंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है अजवाइन डाल के, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो अब मैंने इसमें हींग भी डाल दी है, तो प्याज को मैं अब फ्राई कर लूंगी। तो प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। तो भिंडी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, और लाल मिर्च, इन सारी चीजों को डाल करके मैं भिंडी को अच्छे से मिला लूंगी। तो भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसको ढक करके थोड़ा सा फ्लेम मीडियम करके मैं इसको बनने दूंगी, और तब तक जब तक ये भिंडी बन रही है मैं अपना आटा मार करके तैयार कर लेती हूँ। साढ़े पांच भी ढंग से नहीं बच पाए हैं और इस टाइम पर इतना अंधेरा हो गया, एकदम रात वाली फीलिंग आ गई है। चलिए क्या कर सकते, मौसम है। मैं सोच रही थी बारिश हो जाए, बट एकदम से आंधी आ गई बहुत तेज। अब बारिश भी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, 17 क्या बोले, 17 पांच बजे तुम्हें पूछे 70 क्या बोले, 70 वो वैसे वाला टाइम लगा रखा है ना, रेलवे स्टेशन वाला, रेलवे स्टेशन यही रहता है।
नहीं हम कर देंगे, तुमने बताया ही नहीं हम कर देंगे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है 12, 13, 14 टाइम ऐसे देखने में अच्छा लगता है, मम्मी को 1, 2, 3 वैसा वाला टाइम अच्छा लगता है। तो भाई वो बोल रही थी 70 क्या बोल दिया तुमने, 70 कौन सा टाइम होता है। देखो अब मैं पोनी तेल करने लगी हूँ, दिखा दो पोनी तेल, दिखा दो अपनी, कहते देखो मैं पोनी तेल करने लगी हूँ, मैं गुड गर्ल हो गई हूँ। अभी मैं बाहर गई थी, बाहर जाकर के मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश किया है, क्लीन किया है और कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सॉरी इसकी बॉल की आवाज आ रही होगी। और मम्मी और छोटू लेट करके इधर रेस्ट कर रहे हैं और मैं बना करके लाई हूँ। और रुक जा बेटे 2 मिनट, अभी ये ट्राइपॉड गिर जाएगा मम्मा का, ये मोबाइल टूट जाएगा। एक ये फेस पैक, इसमें मैंने क्या क्या डाला जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसमें है एक चम्मच, यही वाली जो चम्मच है मैं आपको दिखाती हूँ, एक बड़ा चम्मच बेसन है और एक बड़ा चम्मच सैंडलवुड पाउडर है यानी चंदन का पाउडर है, एक चुटकी हल्दी है और एलोवेरा जेल है एक चम्मच और रोज वाटर। तो इतना कुछ इसमें बना हुआ है, आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। फेस पैक है, मुझे ना अभी से कूलिंग का वो होने लगा क्योंकि इसमें चंदन का पाउडर है और चंदन तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा फायदेमंद करता है, और बेसन है, एलोवेरा जेल, तो सारी चीजें, मतलब कहने का ये है कि नेचुरल है कोई। मैं तो भूत लग रही हूँ, मैं जल्दी सटी जाती हूँ। बाहर देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गई, अभी कितना अंधेरा था, कितनी रात थी, अभी है ना थोड़ी सी रोशनी होगी, मम्मी बारिश होने लगी फाइनली, बारिश होना स्टार्ट हो गई और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ, मैं थोड़ा सा सूख जाए, ज्यादा बोला नहीं जाता है फेस पैक लगा के। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा औसम औसम हो गया है। एक गाना नहीं है मौसम ये औसम बड़ा तो वैसे ही हो गया है। ये लड़की चाय बना रही किचन में और मेरा व्लॉग देखती जा रही है साथ ही साथ में, और मम्मी और बेटू बाहर बैठे हैं, बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है फाइनली। मैं बहुत ज्यादा, मैं क्या सभी लोग परेशान थे, बाहर आ जाए, आ गए, मतलब गर्मी से तो सभी लोग परेशान थे। या आ जाएंगे सोना। और हाँ मैं तो बताने ही भूल गई, फेस पैक मैंने वॉश कर लिया था, मेरा चेहरा क्लीन लग रहा है ना पहले से, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, क्लीन क्लीन, मजा आएगी। बारिश के मौसम में मुझे बहुत मजा आती है। साइड प्लीज, टी टाइम। तो चलिए मैं आज के पढ़ लेती हूँ कुछ कमेंट्स, और जैसे कि आपको पता है मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज के कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। चलो अब सबके नाम लेते हैं। सुन रहे फ्रेंड्स, आज के कमेंट्स फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है फटाफट, तो सबसे पहला मीनाक्षी जी ने मुझे कमेंट किया है, मेरी बेटी का नाम ले, उसका नाम परी है, सो हेलो परी। विनीता जी का कमेंट है, बेटू के ऊपर चश्मा बहुत क्यूट लग रहा है, एक बार मेरा भी नाम ले जरूर। तो हेलो विनीता, थैंक यू सो मच डियर, मस्त ब्लॉग, हाय हाय दीदी, मेरा नाम भी लेना। रिया, सो हेलो रिया, फिर लग रहे हो दी, और मेरा नाम भी ले लिया करो प्लीज, आप पहले ठीक हो जाओ, सच में तबीयत ठीक ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, बाय बाय, आराम करो। सोनम शाह, सो हेलो सोनम, थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और मेरी बेटी का मूड थोड़ा सा ऑफ है तो आप लोग प्लीज माइंड मत करिएगा, इसका मूड बीच बीच में ऑफ हो जाता है तो ये ऐसे करने लगती है। प्लीज इस बार व्लॉग में मेरा भी नाम लीजिए, मैं, मेरी असली नेम संदीप्ता है, सो हेलो संदीप्ता। व्लॉग्स विद दिव्या, बहुत दिनों बाद आपका रिप्लाई आया डियर, मेरी बेटी का नाम लेकर हेलो बोलो प्लीज, वो खुश हो जाएगी। राबिया, मरियम और रहमान, थैंक यू, आपको पता है आज कुछ काम नहीं किया मैंने, पूरा दिन आपके वीडियोस देखे हैं, जो पहले के वीडियोस थे, आई फील हैप्पी टू सी योर फैमिली। हेलो राबिया, मरियम एंड रहमान, तो सबको हेलो,
और सबको मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच शायदा इतना प्यारा कमेंट्स करने के लिए। सो यही थे आज के कुछ कमेंट्स। और ऊपर इतनी तेज बिजली चमक रही ना, अभी मैं बहुत तेज डर गई, एकदम पूरी लाइन से बन गई बिजली की। मौसम बहुत अच्छा हो गया है सच में। और बेटू जिद करिए छत पे चलो, बट छत पूरी भीगी होगी ना, तो इस वजह से इसको लेकर के नहीं जा रही। आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। डेली ब्लॉग में यही होता है ना, जो अपनी डेली लाइफ होती है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं डेली ब्लॉग भी बनाऊं, और फिर आप कहते हो कि डेली डेली सेम। मैं कोशिश करती हूँ हर दिन कुछ अलग दिखाने की, हर दिन अपना ब्लॉग कुछ अलग तरीके से बनाने की। बट हम हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं, घर में यही सारा काम होता है, ये सारी चीजें होती है। डेली डेली तो हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं। डेली डेली घूमने जाएंगे तो आप लोग बोलोगे कितना घूमती हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो सिंपल सी लाइफ है मैं वही दिखाती हूँ, और डेली वीडियोस में यही होगा। और क्या होगा, मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर करूंगी, अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, कुछ छोटी मोटी टिप्स आपसे शेयर करूंगी, और कहीं जब जाते हैं घूमने वगैरह तो वो चीज भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बस यही होता है। तो आज का दिन मेरा आपको कैसा लगा मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो का मैं ही पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मौसम का, हवा का एंजॉय करूँगी यहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।